अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, सिंध में बड़े साईं के बाद छोटे साईं वजारत आला के अहदे पर जलवा अफरोज़ हो चुके हैं, लेकिन क्या ये तब्दीली वो बेहतरी लाएगी जिससे सिंध के आवाम मरसा दराज से महरूम हैं। कायम अली शाह के 8 साल दौर में छोड़े गए बैड गवर्नेंस, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और सेहत और तालीम के बदतरीन मसाइल मुराद अली शाह को यकीनन विरसे में मिले हैं। सिर्फ यही नहीं, मुराद अली शाह को अपने पार्टी की जानिब से भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुबई में बैठी पार्टी क्यादत ने कायम अली शाह को कभी खुद मुख्तार होकर फैसले करने नहीं दिए, जबकि पार्टी के कई सीनियर लीडर खुद वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे, जो मुराद अली शाह को निस्बतन जूनियर रहनुमा समझते थे। तो क्या मुराद अली शाह अपनी खुद मुख्तारी कायम करके अवाम के लिए मेरिट पर फैसले करने में कामयाब होंगे? ये इनका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। एक और अहम मसला कराची ऑपरेशन का भी है। मुराद अली शाह ये बता चुके हैं कि रेंजर्स इख्तियार का मसला हल हो चुका है, मगर रेंजर्स का ये मौकफ है कि दहशतगर्द और जराइम पेशा अनासर कराची में कार्रवाई करके अंदरून सिंध भाग जाते हैं, ताहम हुकूमत रेंजर्स को वहाँ कार्रवाई की इजाज़त नहीं देती। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और अगर मुराद अली शाह वाकई सूबे में गुड गवर्नेंस लाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस हवाले से वो क्या काबिल अमल हल निकालेंगे? याद रहे कि सिंध के अवाम ने 1970 से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही एतमाद किया, लेकिन जवाबन सिंध के बेशतर अवाम अभी तक सेहत, तालीम और साफ़ सुथराई की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। क्या मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी से अवाम के अच्छे दिन देखने की दिली मुराद पूरी कर पाएंगे, या फिर वो भी कायम अली शाह की रवायत ही कायम रखेंगे? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। कराची पुलिस ने दावा किया है कि वसीम अख्तर ने GIT के सामने यह एतराफ़ किया है कि वो 12 मई 2007 की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, लेकिन दूसरी जानब MQM ने वसीम अख्तर के पार्टी को लिखे खत को बुनियाद बनाकर इस बयान को पुलिस का प्रोपेगंडा करार दिया है। इस सूरत हाल में कई तजादात हमारे सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि वजारत दाखिला सिंध ने अभी तक वसीम अख्तर से तहकीकात के लिए किसी भी GIT का ऐलान ही नहीं किया, तो फिर ये कौन सी GIT थी जिसके सामने वसीम अख्तर ने बयान दे दिया? दूसरा हम सवाल यह है कि मुलजिम की बयान की तब तक कोई भी कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड ना किया जाए, तो फिर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले ही पुलिस ने वसीम अख्तर का बयान आखिर क्यों लीक कर दिया? क्या इस तरह के तर्ज अमल से पुलिस खुद ही अपना केस कमज़ोर नहीं कर रही? याद रहे कि इससे पहले सौलत मिर्ज़ा, मिनहाज काजी और खालिद शमी मुत्तहिदा कायद और MQM के खिलाफ अहम एतराफ़ी बयान दे चुके हैं, लेकिन इन बयान को लीक करके इनकी कानूनी हैसियत को कमज़ोर कर दिया गया। फिर दूसरी जानब इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर बार बार कई संगीन इल्ज़ाम लग चुके हैं। उनकी जमात से वाबस्ता कई टारगेट किलर्स और जराइम पेशा अनासर को कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। यकीनन अब जहां धुआं होता है वहां आग भी ज़रूर लगती है। तो क्या अभी अपना तर्ज सियासत तब्दील करने के लिए आज भी तैयार नहीं? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जफर हिलाली साहब कराची से हैं, इस्लामाबाद से तजियाकार शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा हमें ज्वाइन करेंगी। शहजाद चौधरी साहब, 2 दिन पहले कराची में 2 सिक्योरिटी फोर्सेज जवानों पर हमला, उनकी शहादत, एक ऐसे मौके पर यह अफसोसनाक वाकया जब कराची में वजारत आला का कलमदान कायम अली शाह साहब से मुराद अली शाह की जानिब सौंपा जा रहा था, आप क्या समझते हैं कि नए वजीर आला के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस सिंध में क्या होंगे? सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा और क्या वो इन चैलेंजेस से निमट पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज आमतौर पर तो हम सब यही कहते हैं कि अमन अमान को कायम रखना या अमन अमान की सूरत को बेहतर करना, लेकिन मेरी नज़र में उनके चैलेंजेस असल में इससे ज़्यादा बड़े और ज़्यादा डीप हैं। और वो चैलेंज ये है कि जो बिलावल भुट्टो के साहब की जो चेयरमैनशिप है उसके नीचे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आइडेंटिफाई या वो विज़न आइडेंटिफाई किया उन्होंने, उसके अंदर मुराद अली शाह का रोल के आज़ाद कश्मीर में अगर इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2 सीट्स मिलती हैं। अच्छा, अब पंजाब के अंदर बेशुमार ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से बिल्कुल अपना वहाँ पर शिनाख्ती खो बैठती है या उसकी वो हैसियत नहीं रहती जो कि पहले पंजाब के अंदर इवन एज अ नंबर 2 पार्टी जो आज तक रही है उसकी एक शेडो प्रेजेंस हमेशा रही है, वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी वहाँ पर। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा रीस्टैब्लिश करना, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो फाइनली वो जिस नतीजे पे ये पहुंचे हैं कि जो सिंध के अंदर
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नर्स है, जब तक उसका अक्स बाकी मुल्क पे एक बेहतर तौर पे नहीं पड़ेगा, एक अच्छे एलिमेंट एक अच्छे तरीके से नहीं पड़ेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी मुल्क की जगह नहीं बना पाएगी उस तरीके से जिस तरीके से पहले था। अब ये है वो चैलेंज, और ये है वो चैलेंज जो कि बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को दिया। मुराद अली शाह किस तरीके से नबर्द आजमा होते हैं, उनके चैलेंजेस अपनी जगह के पे हैं, और आपने कुछ की निशानदेही की। जाहिर है कि एक तरीके का आदत पड़ चुकी है सिंध के अंदर उस ब्यूरोक्रेसी को काम करने की, एक सोच का अंदाज बन चुका है, उसको कैसे वो ब्रीच करते हैं, किस तरीके से लेके आगे चलेंगे गवर्नेंस को, किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे सिंध के हालात। सिंध पिछले 7-8 साल में या 5 साल में गालिबन उसकी लिटरेसी 4% कम हुई है सिंध के अंदर। तो अगर आप इसी से अंदाज़ा लगा लें तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा गेपिंग होल है सिंध की गवर्नेंस के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर, तो वो रिलेट हो जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो मेरा ख्याल चैलेंज पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा है सिंध के अंदर भी और अदरवाइज मुल्क के अंदर भी, लेकिन एक सिंध को मॉडल बना के अगर वो यहाँ से आगे निकल सकें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनके लिए। ठीक है ज़फ़र इलाही साहब, आप क्या समझते हैं कौन सा बड़ा चैलेंज है जिससे निपटना होगा नए वज़ीर आला सिंध को? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अब वो फैसला करें कि मैं जो हूँ चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ रॉयल फैमिली ऑफ द PPP का। माफ करिए, आज तक अभी तक एक आदमी एक लफ्ज नहीं कहा है इनके तारीफ में, मुराद अली शाह साहब एक आदमी भी आके ये नहीं कहा है कि भाई बड़ा अच्छा अपॉइंटमेंट है। जब मैंने खुद कहा कि भाई ये फिर क्यों, कहने लगे कि अगर आप हमें पूछें तो ये और भी ज्यादा, माफ करिए क्या कहते हैं, स्लेविश है, गुलाम है PPP के लीडरशिप का, उनसे भी ज्यादा, कायम अली शाह से भी ज्यादा। और जब मैंने कहा भाई कम से कम ये तालीम राफ्ता है, एजुकेटेड है, उन्होंने कहा कि इनका तालीम ये इस्तेमाल करते हैं नए तरीके उनको बताने के लिए कि मैं अपना कितना लॉयल और फेथफुल सर्वेंट हूँ। इसका मतलब ये हुआ पार्टी रहनुमाओं को मद्देनजर रखकर ये फैसला नहीं किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने ये फैसला थोपा है अगर मुराद अली शाह को पार्टी के अंदर लोग पसंद नहीं करते। मेरे ख्याल में जी इस पार्टी में इतने सारे चमचे ऐसे ही हैं कि मैं नहीं कह सकता कि वो अनपॉपुलर है। मैं सिर्फ आपको जरूर ये सक सकता हूं और कसम खा के कह सकता हूं कि आज तक इसके बारे में एक आदमी ने इसकी तारीफ नहीं की है। और मैं वो पार्टी रेगुलर्स की नहीं बात कर, हाँ उनको भी मैं शरीक करता हूँ जो कभी कभी ऑफ द रिकॉर्ड और फ्रैंकली बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है, यू नो ये इस्तेदार चौधरी साहब ने आइडेंटिफाई किया है बैड गवर्नेंस सिंध में रहा है। भाई ये 8 साल में ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। 8 साल फाइनेंस मिनिस्ट्री की हेमरेजिंग हुई है कि कोई नहीं पकड़े गया, किसी को नहीं खत्म किया गया, किसी को नहीं अकाउंटेबल किया, तो मैं समझ नहीं आ रही है। अब देखिए एक छोटी सी बात है, अब आने के पहले उनको कहा गया जरूर होगा, क्या होगा, क्या उनको पता है कि वो मानना चाहिए, वो जो हमारे अड्डी और अड्डे जो हैं उनके बातें सुनना चाहिए, इनको तो आखिर दुबई जाना पड़ा, मगर सोचिए किस किस्म की बातें और इनको सुनना पड़ा। इनको शायद ये भी सुनना पड़ा कि एक साहब हैं उनका नाम है अली हसन जरदारी साहब, वो हैं इस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर, वो अपना पूरा महकमा चला रहे हैं दुबई और लंदन से, वो फोन पे चला रहे हैं, वो सेक्रेटरी को फोन करके ऑर्डर करते हैं और वो सेक्रेटरी वो खुद करता है। और आप सोचिए कि जब जरदारी साहब खुद गए हैं उमरा करने के लिए, ढेर सारे इधर से ठेकेदार जो हैं वो भी उमरा करने के लिए चले गए कि कहने लगे कि शायद हमें कोई ठेका मिल जाए इधर। ये है कहानी जो इस वक्त सिंध और सिंध गवर्नमेंट के बारे में ये है। माफ करिए, मैं कोई उम्मीद नहीं रखता इनसे और कोई और भी कोई उम्मीद नहीं रखता इनसे। और बल्कि मैं एक और चीज आपको जी, जी 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 हिलाली साहब जी, मैं सिर्फ फिनिश खत्म ये करूंगा और ये कहूंगा कि कभी ना कभी इस मुल्क की जब तारीख लिखने जाए तो ये 8 साल तो सबसे बुरा होगा सिंध में। और दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं आज तक गवर्नर्स रूल हुआ है सिंध में, और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं हुआ है, मुझे भी अभी पता चला कि क्यों नहीं हुआ है। ये नहीं है कि लोग नहीं कहते हैं कि होना चाहिए, ये इसलिए नहीं हुआ है कि नवाज शरीफ साहब डर रहे हैं। वो कहते हैं यार वैसे ही PTI हमारे पीछे लगी हुई है, अब अगर मैं इनसे भी दुश्मनी मोड़ लूं तो मेरा क्या हालत होगा। देखिए इन किस्म इस किस्म के कंसिडरेशंस में पाकिस्तान का एक प्रोविंस चल रहा है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या नए वज़ीर आला सिंध इस तासुर को खत्म कर पाएंगे
कि सिंध के जो काम है, सिंध के जो उमूर है, ये दुबई से चलाए जाते हैं, दुबई से कंट्रोल किए जाते हैं, एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहब बताएगा कि कायम अली शाह साहब की तब्दीली का फैसला क्या पार्टी ने सिंध में जो अमन अमान की सूरत हाल है इसको देख कर किया? नहीं, देखिए तब्दीली तो मेरा ख्याल है कि हर हाल में बेहतर ही होती है, और जब भी तब्दीली का फैसला किया जाता है तो ये सोच के किया जाता है कि आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। कायम अली शाह साहब की अपनी एक कारकर्दगी है, उनका अपना एक स्टैचर है, उनकी अपना एक एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली उन्होंने सिंध के अंदर डिलीवर किया है। 10 साल वो सिंध के वजीर आला रहे हैं, और 2013 में भी वो सिंध के अंदर इंतखाबात के हवाले से उन्होंने पीपल्स पार्टी को बड़ी फतह दी है। लेकिन जाहिरी बात है कि तमाम उम्र कोई भी किसी भी अहदे पे फायज तो नहीं रह सकता, और अगर सिंध की आवाम के लिए मजीद बेहतरी की गुंजाइश है तो नए चेहरे जरूर आने चाहिए। क्या इस तब्दीली के लिए पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया था? क्योंकि शाह साहब कह चुके हैं कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया शाह साहब की तब्दीली के हवाले से, उनके फैसले के हवाले। देखिए, तमाम लोगों से बातचीत करके, और मैं तो ये कहूंगी कि सिंध की जो पार्लियामानी पार्टी है, हर इजला से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सबसे उनकी राय ली गई, और उस राय के बाद इस फैसले को एंडोर्स किया गया, तो इसमें तो सिंध की आवाम की पूरी एक रजामंदी शामिल है। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद हमें अब मजीद तेजी के साथ करने की जरूरत है। जिस तरीके से आज शाह साहब ने कहा कि हमें साफ कराची चाहिए, हमें हरा भरा थर चाहिए, हमें पूरे सिंध के अंदर अमन अमान की और मजीद बेहतरी की गुंजाइश रखते हुए इस पे काम करने की जरूरत है। तो इसका मतलब जिन चीजों की उन्होंने निशानदेही की, मुराद अली शाह साहब ने ये काम करने में नाकाम रहे साबिक वजीर आला सिंध। नहीं, देखिए, जब कायम अली शाह साहब 2008 में आए थे तो उससे पहले सिंध में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो बहुत खराब थी, और बतदरीज अब अगर आप देखें तो पिछले 2 से 2.5-3 साल में बहुत बेहतरी आई है। इसमें कोई दो राय, रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद ये बेहतरी आई है, क्योंकि सिंध पुलिस को इस काबिल नहीं बनाया गया कि अगर ये सोचा जाए कि रेंजर्स कराची से वापस चले जाए तो सिंध पुलिस कराची के हालात पर काबू पा ले, अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल कर ले। देखिए, सिंध तो कराची में 25 साल से है ना, पिछले 3 साल से तो नहीं है, 25 साल से है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छे बुरे वक्त के अंदर जाहिर बात है जिम्मेदारी सबको शेयर करने की जरूरत है। अभी भी ऐसे वाकयात हुए हैं जो रेंजर्स की मौजूदगी के अंदर हुए हैं, 2 लोग शहीद हुए हैं हसास इदारों के, अमजद साबरी साहब को शहीद किया गया, अवैध शाह साहब को अगवा किया गया, उससे पहले सबीर महमूद का कत्ल हुआ। तो होती है, देखिए, दुनिया के बड़े से बड़े शहर में और बड़े से बड़े मौजूद मुल्क के शहर में भी अगर आप देखें तो हालात अब साजगार नहीं रहे। आप पेरिस अटैक्स देख लें, आप बेल्जियम में देख लें, अभी आप तुर्की के अंदर हालात देख लें। तो अगर आप एक मुवासना करने निकलें तो फिर देखिए, इस वक्त कोई भी दुनिया में शहर या मुल्क जो है वो सेफ नहीं है। आप इसे नहीं कह सकते कि वो 100% सेफ है। हाँ, हर कोई कोशिश करता है कि मजीद बेहतरी आए, और यही कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है। सही। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुराद अली शाह साहब ने एक और बात की कि मैं इस तासुर को खत्म करूंगा कि दुबई से सिंध हुकूमत के जो उमूर हैं उनको चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये इस तासुर की उन्होंने क्यों बात की? क्या कहीं ना कहीं इस तासुर में भी दुरुस्त है बात? क्यों उन्होंने ये इस ख्याल का इजहार किया कि वो इस तासुर को खत्म कर देंगे? देखिए, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने किया ये बात कि मैं इस तासुर को खत्म करूंगा कि जो तासुर दिया जाता है कि दुबई से सारे मामलात को कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारी चीजें सर्कुलेट करती हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है जहां पर हर शख्स को एक्सेस है कि वो अपनी बात कह दे।
लेकिन अगर ऐसी कोई बात आए किसी अहम शख्सियत के बारे में तो तर्दीद आ जाती है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। शाह साहब की जाने से कोई तर्दीद भी नहीं आई। देखिए देखिए मेरी बात सुनो, मैं तो असेंबली में मौजूद थी, मैंने नहीं सुना, लेकिन बहरहाल अगर कल बात कह रही है तो शायद कहा हो। हाँ, मैंने नहीं सुनी, लेकिन अगर कही हो तो वो खुद ही कह सकते हैं। मेरे सामने आज तो बात नहीं हुई, कल का मैं नहीं कह सकती, कल बात मैं ठीक है, कल मैं जो वो जहाँ भी थे मैं उनके साथ नहीं थी। लेकिन एक चीज तो जरूर है, आपने देखा होगा कि ये कराची बदमनी केस के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मैं इस बेंच में बेहतर है कि ना बैठूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें की जा रही है मेरे और मेरी फैमिली के बारे में। तो देखिए बातें परसेप्शन और बहुत सारे इश्यूज, कभी कभार ऐसी भी बातें की जाती हैं जो हकायक के बिल्कुल बरक्स होती हैं। जरूरी नहीं कि उनमें हकायक होता है, लेकिन जाहिरी बात है कि वो कहते हैं ना कि परसेप्शन समटाइम्स इज मोर हार्मफुल देन रियलिटी, तो कभी कभार परसेप्शन को भी रद्द करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। शहदा चौधरी, सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या सिंध के नए वजीर आला को मदाखलत के बगैर आजादी से काम करने दिया जाएगा। वही सवाल जो ब्रेक से पहले मैं छोड़कर गई थी कि ये तासुर कि दुबई से हुकूमत के मामलात चलते हैं, सिंध हुकूमत के ये तासुर कैसे खत्म कर सकेंगे नए वजीर आला सिंध। देखिए मैं असल में ये फैसला ये होने जा रहा है कि क्या ओल्ड गार्ड से नए लीडरशिप की तरफ पावर्स ट्रांसफर हुई हैं या नहीं हुई हैं। बिल्कुल सही। अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नीचे 2018 में इलेक्शन लड़ना चाहती है तो फिर बिलावल भुट्टो विल सीन टू हैव, शुड बी सीन टू हैव सम पावर्स इन हिज हैंड, विच इंक्लूड्स कि अगर वो सिंध के अंदर मामलात को बेहतर करना चाहें। कुछ ही अर्सा पहले आपको याद होगा कि वो जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर वहाँ के सिंध के, एक ऐसे मौके पे जबकि सवाल उठाया गया अमन अमान के बारे में, तो अमजद साबरी के गालिबन कत्ल के बारे में था, तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जवाब दो और खुद हट गए। अच्छा, इसका मतलब ये था कि सिंध हुकूमत के बारे में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसका मतलब है कोई और जिम्मेदार है। और ये बिल्कुल आम जो बात चल रही थी वो ये थी कि बिलावल भुट्टो के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अख्तियार तो है, जिसके अंदर के पूरे मुल्क में उनको एक फेस बना के, इमेज बना के उस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उनको कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है और वापस से पीपल्स पार्टी की जगह बनाने की दी गई है, लेकिन सिंध को उनको कंट्रोल और हाथ नहीं दिया गया। अब जब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है तो मेरा ख्याल में जो इनके हाँ मीटिंग हुई है, चाहे इनके दरमियान फैमिली के अंदर या जैसे भी, तो आई थिंक ही व्हाट ही हैज टोल्ड हिज फादर इज कि देखिए जब तक सिंध में कुछ चेंजेस नहीं होंगी, काम नहीं होगा, वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। वरना जरदारी साहब कभी भी कायम अली शाह को ना हटाते, कायम अली शाह जैसा चीफ मिनिस्टर जरदारी साहब के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनको कहीं नहीं मिलना था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या इससे हम ये सोचें कि क्या उनकी सियासत बदलने जा रही है सिंध की, क्या तरीका बदलेगा? मैंने सुनी है बातें अपना हलाली साहब की, लेकिन अगर स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट समय अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सकते तो फिर मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान की कोई उम्मीद और आप समझते हैं कि चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। जब तक पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी, पॉलिसीज की सम दुरुस्त नहीं होगी, सिर्फ चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो नई लीडरशिप है, इनके जो यंग टर्क्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इतना फर्टाइल वो टाइम उनके पास अवेलेबल है जो ब्रेन ट्रस्ट है, कि अगर उसको काम करने दिया जाए खुल के और उनके अपने इनिशिएटिव के साथ, तो मेरे ख्याल में वो सिंध के हालात बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जफर हिलाली साहब। देखिए मैं बहुत कम दफे डिसएग्री करता हूँ शहजाद चौधरी साहब से, मगर इस दफे मैं करूँगा। देखिए ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उनको गुड गवर्नेंस नहीं दे सके पाकिस्तान को, तो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट क्या देगा? और जो आदमी कभी गया ही नहीं था किसी यूनिवर्सिटी में, उसने पाकिस्तान को या कम से कम वेस्ट पाकिस्तान को एक ज़माने में बड़ा अच्छा गवर्नेंस दिया था, मेरा मतलब है शायद कालाबाग साहब जो थे। तो कहने की बात यह है कि ये एक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है, ये आपको डिग्रीज से नहीं होता है, ये आप पे फील और टच में होता है। जैसे एक क्रिकेटर सिर्फ थियरी ऑफ क्रिकेट खेल के अच्छा नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस, और जब वो प्रैक्टिकली आता है मैदान में फिर पता चलता है उसमें कितना टैलेंट है। तो ये मैं कहूँगा। दूसरी बात ये है शाजिया, आपने कहा था कि इन्होंने कहा है कि दुबई से अब रूल नहीं होगा। ये तो मैं तो हैरान हूँ ये सुन के, और मैं आई एम नॉट सरप्राइज कि शर्मिला भी हैरान थी, इसलिए कि ये तो पूरा पार्टी इज दुबई बेस्ड।
माने कितने भगोड़े हैं इनके पार्टीज में जो आप दुबई से चला रहे हैं, फ्रॉम टप्पी टू मेमन टू अली हसन जरदारी टू द ग्रेट मैन हिमसेल्फ, वो सब उधर बैठे हुए हैं और उधर से ये चला रहे हैं और फोन कॉल्स और सेक्रेटरीज पे मामला चल रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये निवराद अली शाह ऐसी चीज कहा है इन्होंने, और अगर कहा है तो मैं अब समझता हूँ क्यों लोग कहते हैं कि इसके पास ही डज नॉट हैव वन सिंगल गुड क्वालिटी जिसके बारे में वो आके बात कर सके। नहीं, आई एम सॉरी टू से कि जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि आप में नुक्स क्या हैं, उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये ब्लैंकेट किस्म का डिफेंस जो इनके वर्कर्स आके टीवी पे करते हैं, वो लोगों को ये बताता है सिर्फ कि भाई हम समझते ही नहीं हमारे में क्या नुक्स है। तो अगर मर्ज नहीं समझते हैं तो दवाई क्या आप ले सकते हैं उसका। नहीं, आई एम सॉरी, ये आदमी जो है ये उस वक्त 10 साल से, इससे पहले मेरे ख्याल में ये मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन में भी थे कुछ देर के लिए, वो नोटोरियसली करप्ट मिनिस्ट्री है इरिगेशन, और तबाही मचा दिया है सिंध में वो गलत पैसे जो उन्होंने इस्तेमाल किया है फ्लड कंट्रोल के बारे में। तो इन दिस सेंस मेरे ख्याल में बिलावल हैज टू कम अप विद अ न्यू नेम, अ फ्रेश नेम, और जैसे भी वो हो अगर वो रीजनेबली कॉम्पिटेंट और रीजनेबली नई पॉलिसीज के साथ आना होगा बिलावल। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद शहजाद चौधरी साहब। 12 मई 2007 का वाकया, 9 साल गुजर चुके, अगर इसमें वसीम अख्तर शामिल थे उस वक्त इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 9 साल के बाद पुलिस की फुर्तियां तब नजर आईं जब डॉक्टर आसिम केस में उन्हें पकड़ा गया, डॉक्टर आसिम केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस वक्त 2007 में जो सिंध हुकूमत थी, क्या उसको सिर्फ वसीम अख्तर साहब चला रहे थे? उस हुकूमत में कौन कौन से लोग शामिल थे? उस दिन जिस दिन ये वाकया पेश आया, उस दिन तो इस्लामाबाद में कुछ लोग मुक्के भी लहरा रहे थे, उनको भी फिर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। क्या ये इंसाफ पर मबनी फैसला है ये? अच्छा, पहले एक बात, वो जो शर्मिला कह रही थी अपने रिमार्क्स में जी कि जब ये कुछ वाकयात हुए जिसमें कि फौजी 2 मारे गए, और उससे पहले अमजद साबरी का, तो उस वक्त वो उनके पास इख्तियार था, लेकिन ये जो फौजियों वाला जो मामला था इसके अंदर ये उस दौरान हुआ है, 19 और 20 की दरमियानी रात को जो रेंजर्स का इख्तियार था वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। उसके बाद से अब तक रेंजर्स के पास वो, उसके बाद से अब तक रेंजर्स के पास पावर्स नहीं है। आज है 29 तारीख हो गई, तो आप समझिए कि तकरीबन पिछले 10 दिन से रेंजर्स बगैर किसी पावर्स के, अगर कुछ कर रहे हैं तो बगैर किसी पावर के कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वो जो सपोर्ट जो उनको वहाँ पर लोकली अवेलेबल थी। तो इसलिए जितने मामलात हुए हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो वसीम अख्तर का मामला है ये भी उनकी कहना चाहिए कि इनकी एब्सेंस में, रेंजर्स की एब्सेंस ऑफ पावर्स जो है एम्पावरमेंट, उसके अंदर ये सारा मामला हुआ। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि रेंजर्स का इख्तियार ख़त्म हो चुका हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रेंजर्स का इख्तियार होता और इस किस्म का मामला होता कि इनकी बेल्स कैंसिल होती, तो फिर ये रेंजर्स के पास जाते और रेंजर्स के पास जाके फिर वो तफ्तीश होती और वो उसको चला। ये तफ्तीश पुलिस के पास हुई है, उनको जुडिशल रिमांड पे भेजा गया 4 आदमियों को, अनीस कायम खानी और बाकी 1-2 और, और उसके बाद सिर्फ वसीम अख्तर ऐसे थे जिनको के निकाल के भिजवाया गया पुलिस के पास और राव अनवार साहब के कंट्रोल में। अब राव अनवार का जो कनेक्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो सबको मालूम है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो तफ्तीश वसीम अख्तर से हो रही है ये पुलिस कर रही है, सिंध की पुलिस। बिल्कुल, वो सिंध की पुलिस खास तौर पर जिसका कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या सिंध की गवर्नमेंट का। अब मेरी नज़र में ये सिंध की गवर्नमेंट और सिंध की पुलिस ये लीक्स कर रही है, ये खबरें फैला रही है। मेरा अपना सवाल ये था कि वसीम अख्तर जैसा जो MQM का वर्कर है वो कम से कम इस किस्म की बात, इस किस्म की गुफ्तगु इतने खुले तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर उसने की है तो जब अदालत में जाएगा तो मुकर जाएगा। अच्छा, तो ये है वो सिचुएशन जिसके अंदर के वसीम अख्तर फंसा हुआ है। अच्छा, अब उसने अगर बात की भी है तो MQM का जो सपोर्ट आता है पीछे से वो बाद में आता है पोस्ट फैक्टो, यानी एक बात हो चुकी। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ये इस वक्त जो ट्रायंगल बनी हुई है सिंध के अंदर कराची में कि रेंजर्स, MQM
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, इन तीनों का जो मुसलस है, उस मुसलस में एक फरीक बाकी दो फरीकों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या MQM के बारे में वसीम अख्तर का ये बयान कोर्ट करके क्या कोशिश की जा रही है कि MQM और रेंजर्स के दरमियान में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पहले मसाइल थे और डायरेक्ट कर दी जाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर से प्रेशर हट जाए, क्या ये कोशिश की जा रही है? अगर तो ये है, अगर वसीम अख्तर साहब ने ये बयान नहीं दिया अभी तक, तो पुलिस की जानिब से इस बयान को लीक करने का मकसद क्या हो सकता है? यही मैं कह रहा हूं ना, मतलब ये तो फिर पूछना पड़ेगा उस पुलिस से कि भाई आपने ये कैसे, क्योंकि ये बयान मैजिस्ट्रेट के सामने जाके वो बिल्कुल मुकर जाएंगे कि ना मैंने दिया और अगर दिया तो मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। तो ये इसके इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ प्ले अप करने की बात है। इसमें वो जो है कि लोकल पॉलिटिकल एडवांटेजेस गेन करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल रेंजर्स के पास वो पावर नहीं है, ना ही रेंजर्स को इसका हिस्सा बनाया जा सकता। ठीक है, जफर हिलाली साहब, मुझे नहीं पता कि इतना आसान है ये कहने के इसलिए कि टेक्निकली रेंजर्स के पास पावर्स नहीं है कि इसका मतलब ये है कि रेंजर्स का कोई से नहीं है या उनके सोच और ख्यालों का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है पुलिस पे। देखिए बात सीधी सादी है, सीधी सादी बात यह है कि जब तक अल्ताफ हुसैन साहब हमारे फौज को, रेंजर्स को और दूसरे इदारों को अपने स्पीचेस में क्रिटिसाइज करें जिस तरीके से वो करते हैं और जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये समझना कि उनके पास रिटर्न प्रेशर नहीं आएगा ये गलत बात है। बिल्कुल आएगा रिटर्न प्रेशर। अगर आप खुला खुला गाली देते हैं और रिडिक्यूल करते हैं आपके तकरीरों में, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। वो कहते हैं वन बैड टर्न डिजर्व्स अनदर, साथ साथ ये भी हमें पता है कि वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। अब वो गुड टर्न मिसाल के तौर पे कायम खानी साहब को रिलीज कर दिया बेल में, ठीक है, इसलिए कि कायम खानी साहब ऐसी चीजें नहीं करते ना उनकी पार्टी। वन व्हाट इज वो जो क्या कहते हैं वो दूसरे एक साहब हैं वो जो उधर थे जुल्फिकार मिर्जा साहब मिसाल के तौर पे, उनको कहा गया है कि भाई तुम्हारे पीछे भी हम लग सकते हैं इसलिए तुम्हारा नाम बार बार आ रहा है, तुम ऐसे करो चुप रह जाओ और निकल जाओ। वो निकल गए, वो लंदन में हैं इस वक्त अपनी वाइफ के साथ। तो वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर और वन बैड टर्न डिजर्व्स अनदर ऑल्सो। तो ये समझिए कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे मुल्क में होता है, और अब ये कितना लीगल है क्या नॉन लीगल है ये नहीं, एक बात। दूसरी बात है, मेरा ख्याल में कि वसीम साहब को ये जो चार्ज उनके खिलाफ पुलिस ने लगाया है ये गलत है, और ये जो शहजाद चौधरी साहब कहते हैं बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो उसी किस्म का कन्फेशन है जिस हैज नो मीनिंग, नो लीगल वैल्यू। यही बात से वो आएगा किसी के सामने, यही बात, यही सवाल मैं करने लगी थी। बिल्कुल सही, यही सवाल मैं करने लगी थी। इससे पहले सौलत मिर्जा के बयान देखें, खालिद शमीम के बयान देखें, मिनहाज काजी की GIT और उसके बाद उनके इंकशाफ देखें, सिवाय मीडिया में शोर मचने पर इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सका, किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं हो सका, तो इस बयान को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है फिर? तो ये अहमियत इसको इसलिए दिया जा रही है, वो चाहते हैं कि इसको अहमियत दिया जाए, माफ करिए, वो चाहते हैं कि अहमियत दिया जाए, मगर ये उनका केस को वीकन कर रहा है। उनको समझना चाहिए कि इस किस्म के इल्जाम उनके केस वीकन। अब आ जाए 12 मई पे, कौन है जो नहीं कहता है कि अगर एज अ होम मिनिस्टर सिंध 12 मई में, जब आप होम मिनिस्टर 2007 थे, बिल्कुल आपकी जिम्मेवारी है, मगर साथ साथ समझिए कौन ये भी नहीं कहता कि आपका पार्टी लीडर ने भी क्या कहा उस वक्त, और कौन ये नहीं कहता कि जब मुशर्रफ साहब उठ के इस्लामाबाद में मुक्के दिखाने लगे ही टुक प्लेजर। माफ करिए, मैं अभी तक मेरा अपना फीलिंग मैं महसूस आपको कन्वे कर सकता हूं कि जब मैंने वो कुछ किस्म के ग्रीन ग्लास के पीछे मुशर्रफ साहब को मुक्के उठाते हुए देखा और कराची में 40 लोग कत्ल हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको क्या हो गया। इंस्टिंक्टिवली मैंने कहा कि बिल्कुल तो मैं ये कहता हूं कि हम
चाहते हैं इंसाफ, मगर सिलेक्टिव इंसाफ नहीं, इनको भी मुशर्रफ साहब को भी आना चाहिए और सवाल की जवाब दे। शहजाद चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। शहजाद साहब, हाँ हाँ, मैं हिलाली साहब की जो पहला हिस्सा था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि रेंजर्स का इन्फ्लुएंस पुलिस पे नज़र आता है, मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि 2007-12 मई का जो वाकया था, इसमें मुशर्रफ साहब का ऑलमोस्ट डायरेक्ट इम्प्लिकेशन है। यानी अगर ये मुकदमा चलता है, अगर ये केस खुलता है, तो मुशर्रफ साहब के वो जो मुक्के हैं वो उनको टोटली मुकम्मल तौर पर इसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं और वो इसके ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि रेंजर्स कभी भी ऐसी कोई हरकत करेंगे जिससे कि जनरल मुशर्रफ, चाहे वो पुराने ही रिटायर्ड और अब मुल्क से बाहर गए हुए आर्मी चीफ हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वो नहीं चाहेंगे कि इस उनके थ्रू फौज का या रेंजर्स का या उनके तमाम पैरामिलिट्री किसी तरीके से भी इनका नाम मेललाइन हो। मेरा ख्याल इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये रेंजर्स की मर्जी से नहीं किया गया। ये 12 मई 2007 का जो वो जो है बयान जो है, वो मेरा ख्याल है कि वसीम अख्तर ने दिया है और इस अंडरस्टैंडिंग से दिया है कि रावनवार और उसके बाकी जो स्पॉन्सर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे, फौज को खराब किया जाएगा और फिर वसीम अख्तर बाहर निकल के जब अदालत में जाएगा कहेगा अंडर प्रेशर। एक मिनट मैं बात कर लूं, एक बात। जी 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 जी, फरमाइए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं टू दैट एक्सटेंड आई स्टैंड करेक्टेड कि मैं नहीं समझता के रेंजर्स जो हैं जानबूझ के ऐसी कदम लेंगे विच शोज ऑफ अ फॉर्मर आर्मी चीफ इन अ बैड लाइट, मैं मानता हूं। मगर आज आपने देखा है कि आज केस लगाया गया है अगेंस्ट अल्ताफ हुसैन साहब एंड सत्तार साहब एंड अदर्स। मैं और क्यों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस इदारे के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ और ये वो उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया। वो तो बात बिल्कुल ठीक है, कहने की बात, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें, नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एमकेएम के रहनुमा अली रजा आबदी साहब ने हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम सलाम। अली रजा साहब, इससे पहले हमने देखा सौलत मिर्जा के इनकशफात, मिनहाज काजी, खालिद शमीम, कराची ऑपरेशन के दौरान बहुत से टारगेट किलर, बहुत से मुजरिम पकड़े गए जिन्होंने अपने आप को जोड़ा एमकेएम से, बताया कि हमारा एमकेएम से एक अरसे से ताल्लुक है। हमेशा एमकेएम की जानिब से तरदीद की गई और एमकेएम ने कहा कि उनके खिलाफ ये साजिशें की जा रही हैं। तो अब वसीम अख्तर साहब का बयान, एतराफी बयान, बाद में उसका तरदीद आना वसीम अख्तर साहब की तरफ से भी, एमकेएम की जानिब से भी, क्या अब भी आपके खिलाफ साजिशों का ही एक हिस्सा है? जी शाजिया, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया और जो पिछला सेगमेंट भी देख रहा था उसमें भी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे इस तरह मीडिया के लिए रेवलेशंस या फिर एक्सपोजे किए जाते हैं जिससे ये एक इमेज क्रिएशन या फिर डिमोरलाइजेशन या डेफामेशन की जाए और वो कंटिन्यूटी में चलता हुआ आ रहा है। इसमें एक डॉक्टर आसिम का भी केस है, उनकी भी कन्फेशनल वीडियो आई थी और उस पर भी उन्होंने कहा गया था कि उससे जबरदस्ती ली गई है और अंडर ड्यूरेस ली गई है। तो ये तो हमारा कानून कहता है कि अगर किसी से आप टीवी के लिए इनकशाफात करना चाहते हैं या फिर जो कि जीआईटी बना के कोर्ट्स में नहीं पहुंचती हैं या फिर वहां पे रिजेक्ट हो जाती हैं और वो लेकिन टीवी पे उस पर वर्डिक्ट दे दिया जाता है, तो वो आखिर खा काफी अरसे से मुत्तहिदा के साथ चल रहा है और यही हमारी शिकायत भी है और इसकी आवाज हम उठाते रहते हैं और यही गुजारिश है। हमने कभी भी ऑपरेशन के खिलाफ नहीं कहा है, हमेशा जो तर्ज अमल या फिर तरीक़ेकार जो है उसके हवाले से अगर कोई मिसगिविंग्स हुई है, टेक्निकल या ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हुई हैं, उस पर हमने आवाज़ उठाई है और खास तौर पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मिसिंग पर्सन, जो कि हमारा हक है या किसी भी शहरी का पाकिस्तानी में राइट ऑफ फ्री ट्रायल, ताकि वो अपना कोई भी इल्ज़ाम है उस पर या किसने भी किसको कहा हो या फैसिलिटेटर भी हो या मास्टर माइंड भी हो, उसका सब कुछ इट शुड गो टू थ्रू द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल ट्रायल, ताकि अगर उस पर डिसीजन लिया जाता है और एक वर्डिक्ट दिया जाता है तो वो। अगर आप लोग समझते हैं कि आपके खिलाफ ये साजिश है, आपको याद होगा कि असेंबली फ्लोर पर कायम अली शाह साहब ये कह चुके कि वो जानते हैं कि सानहा 12 मई में कौन कौन मुलविस था, सानहा 12 मई का जिम्मेदार कौन था,
तो आप लोगों को तो इस पर आवाज उठानी चाहिए कि अगर सिंध हुकूमत जानती है कि असल में जिम्मेदार कौन है, उनको पकड़ा जाए। सिंध हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जानते बूझते हुए भी एक जुर्म को छुपा रहे हैं, ना कि वसीम अख्तर साहब को उन्होंने पकड़ लिया और आप लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर तो ये आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो जानते हैं, तो आपको तो इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, निकलना चाहिए बाहर। नहीं, एहतजाज क्या, इसमें तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जब जिनकी वजह से ये हुआ था, उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे थे, उन्होंने भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। सुमोटोज तो उन्होंने हर चीज पे ले लिया तकरीबन, लेकिन इस पे नहीं लिया, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है पार्टीज भी इन्वॉल्व, सिर्फ मुत्तहिदा नहीं इन्वॉल्व थी इसमें, मुत्तहिदा के 14 कारकुनान की शहादत हुई थी और बेशुमार पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें इसी तरह लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज, कुछ नादीदा कुवतें भी इन्वॉल्व थी इसमें। और हलाली साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस मौके पर परवेज मुशर्रफ साहब या फिर जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, सीएम थे उस वक्त के, मेयर थे उस वक्त के, और जो होम मिनिस्टर थे, इन सबको तहकीक में आना चाहिए। और उसकी तहकीक के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के लोग रोडों पे थे, एएनपी के लोग रोडों पे थे, जमात इस्लामी, पीटीआई और जेयूआई के जो लोग उस वक्त में, तो एमकेएम और मुशर्रफ साहब का गठजोड़ बहुत ज्यादा था। नहीं, जो वो फिर भी आपने इसकी तहकीक करनी और तहकीक होनी चाहिए, इसको बिल्कुल छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये 12 मई तो सबको याद रहता है, पक्का किला किसी को याद नहीं रहता। शाजिया, इससे पहले कस्बा अलीगढ़ में भी इससे बड़े बड़े मैसेकर्स हुए, वो किसी को याद नहीं रहता। सोराब गोट पर जब एम्बुश हुआ था, वो किसी को याद नहीं रहता। 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर को जो पूरे पाकिस्तान में आग लगी थी, वो किसी को याद नहीं रहता। और 2010 में जब कस्बा अलीगढ़ और मंगोपीर और लियारी की रोडों से लड़कों को उतार के कत्ल किया गया था, उनके गर्दन काटे गई थी, वो भी किसी को याद नहीं रहता। सिर्फ 12 मई, हर वाक्य की तहकीक होनी चाहिए, लेकिन अगर एक वाक्य की तहकीक हो रही है दूसरे वाक्यात को लेकर, उस पर उसके पीछे छुपा नहीं जा सकता। शाजिया, बिल्कुल नहीं छुपा जा सकता। हम तो कहते हैं इसका जुडिशियल कमीशन बनाओ, 12 मई का भी जुडिशियल कमीशन बनाओ और बाकी जो इवेंट्स पूरे पाकिस्तान में हुए हैं उनका भी जुडिशियल कमीशन बनाओ और हमको बुलाएं कोर्ट्स में, ताकि हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो हम, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रजा आब्दी साहब। शहजाद चौधरी साहब, क्या वाकई जितने वाकयात अली रजा आब्दी साहब ने हमें गिनाए, क्या सब पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए? इससे बढ़ के भी और बहुत ज्यादा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है ना, वो इतनी अंदोनाक है और इतनी बारबेरिक है कि जहाँ पर हम एक इंसानी ज़िंदगी की पहचान भूल गए हैं। यानी अब इससे पहले, अब आप एमक्यूएम को ही ले लीजिए, गनी बैग्स की बात कर लेते हैं, बोरियों की बात कर लेते हैं, वो ड्रिल्स मशीन्स की बात कर लेते हैं, वो ऐसे टॉर्चर सेल्स की बात कर लेते हैं जिसकी कहानी आप, क्या मैंने जाके देखी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, सच्ची बात है। लेकिन ये इस तरह की कहानियाँ इतनी फैली हैं, इस जगह पे हैं, इन लोगों के नाम हैं, कि यकीन नहीं आता कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ये सब कुछ कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि अगर उसकी तहकीक की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब हम किस किस का यहाँ पर नोहा पढ़ें, इनकी कहानियाँ सुने या इनके, इनका जो किया हुआ है उसकी कहानियाँ सुने? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कराची के अंदर अगर किसी तरीके से कोई एक कोई सुलझाव आना शुरू हुआ है, एक रेंजर्स का ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिसके अंदर से आपको गंध साफ होता नज़र आ रहा है, तो उसी एक सिरे को पकड़ के हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, शायद ये सारा जिस तरीके से वो उलझा हुआ है मामला, वो सुलझना शुरू हो जाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें जो रेंजर्स हैं उनको पार्स वापस इस्टेब्लिश करनी चाहिए, उनको दें फॉर्मली, उनको एम्पावर करें, उसके बाद वो अपना काम जारी रखें। देखिए, जो जो वो घुसते हैं, चाहे वो एमक्यूएम की चीज़ें देखते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की देखते हैं, एमक्यूएम की देखते हैं, क्रिमिनलिटी एक मुख्तलिफ तरीके से नज़र आती है, पीपल्स पार्टी की देखते हैं, करप्शन और क्रिमिनलिटी का एक और रंग नज़र आता है। तो अगर कराची और सिंध के अंदर एक पर्सनल फीफ बना के वहाँ पर हर किस्म का बारबरिज्म और हर किस्म का जुल्म और सितम इजाज़त है, तो फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा तो ना हुआ, 21वीं सदी में भी ना हुआ। तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हम क्या आवाम को पैगाम देना चाह रहे हैं? ये जो बातें अली रजा आब्दी साहब ने की, इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी थी कि आई विश के ही कुड हैव एक्चुअली मेंट व्हाट ही सेड एंड ही कुड हैव परमिटेड पीपल और एंड रेंजर्स टू डू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। क्योंकि अगर ये पार्टीज खुद से अपनी अलाइशें और अपनी सफाइयाँ नहीं करेंगी, तो फिर कोई ना कोई बाहर से आके ज़रूर करेगा। तो बहुत मौका मिला और उस मीडिया में इतना इसको उठाया गया, हमारी तरफ से उठाया गया, लोगों की तरफ, सबने उठाया कि खुदा का वास्ता अपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को, मिलिटेंट एलिमेंट्स को अलहदा कीजिए। पीपल्स पार्टी को कहा गया, इनके गैंग्स आपस में लड़ पड़े लियारी के अंदर, क्या कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। तो हम किसकी बात करें और किसकी ना करें, मेरा ख्याल है एक उम्मीद की किरण बनी है, उस उम्मीद की किरण को लेकर आगे चलना चाहिए। ठीक है, जफर हिलाली साहब। देखिए, जिस किस्म का क्रिटिसिज्म
इस वक्त MQM कर रहा है फौज पे, जिस किस्म की क्रिटिसिज्म उनके लीडर कर रहे हैं और जो तकरीरें वो लीक होते हैं या इंटरनेट पे आ जाते हैं हम सुन रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई पीस हो सकता है बिटवीन ए मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन कराची और द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़। ये ठीक है कि हम सब चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मगर ये तो देखिए हर रोज़ हर तीसरे रोज़ एक और पॉइजनस ड्रिप आ जाता है। सही। तो ये जो पॉइजन ड्रिप आता है इसका असर होता है, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि लगता था एक ज़माने में कि वसीम अख्तर साहब के ख़िलाफ़ जो केस आया है वो इसलिए ला रहे हैं कि शायद वो फिर मेयर नहीं बन सके कराची के अगर वो कन्विक्ट हो गए। तो ये भी एक बात है जो हमें सोचना चाहिए कि अगर कन्विक्शन उनको किधर से भी आ जाए तो वसीम अख्तर के नॉट बिकम मेयर ऑफ कराची। और फाइनली मैं कहूंगा कि सही है कि हम 12 मई का मसला को हल करना चाहते हैं, इंसाफ देखना, सिंध हुकूमत को इन्वॉल्व करना चाहिए, शामिल तफ्तीश करना चाहिए, अगर कायम अली शाह के असेंबली पर फ्लोर पर दिए गए बयान को मद्देनजर रखा जाए तो बिल्कुल करना चाहिए। माने कि मेरे ख्याल में 12 मई का होना चाहिए, 40 पीपल डेड, ठीक है। और 12 मई के बाद 18 अक्टूबर का भी प्लीज मेहरबानी से याद रखें, बिल्कुल ठीक है। 18 अक्टूबर 2007 का, उसका भी अब तक कुछ नहीं हुआ, छोड़िए मुर्तजा भुट्टो का तो छोड़ें, 18 अक्टूबर का भी कुछ नहीं हुआ। तो इतने सारे चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, मगर मैं तो खास उम्मीद नहीं रखता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रहेगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ हाँ, मैं छोटी सी बात, हिलाली साहब ने उसका मेयर का जिक्र किया, मेरा नहीं ख्याल कि 24 अगस्त तक वसीम अख्तर की कन्विक्शन हो सकती है। अच्छा। और उसकी कन्विक्शन ना होने की वजह से मेरा ख्याल है कि वो चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेयर बन जाएंगे। ये दूसरी बात है किस किस्म के मेयर हैं, लेकिन मेयर बन जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, जफर लाली साहब, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।